गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें चल रही हैं। आज दोपहर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और किस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं। आज दोपहर की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके थाट्स और उनके इंटेंशंस भी देखने की कोशिश करेंगे और थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का क्या रिश्ता है और ये थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं रिसेप्टिविटी, स्ट्रेस, सेलिब्रेशन, प्लेफुलनेस एंड द माइजर। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान एक एनर्जी से निकलकर दूसरी एनर्जी में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन बहुत गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अपने ऊपर घमंड था, तो ये इस घमंड से बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक मस्कुलिन एनर्जी से निकलकर फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं, अपने वो सारे ही जो बैड हैबिट्स हैं ना उनको त्यागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में शांति और इस शांति के अनुभव को ये इस वक्त महसूस करना चाहते हैं। इस पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस मिल रहा है, ये पर्सन के ऊपर थोड़ा सा बर्डन भी आया हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन स्ट्रेस को ना दूर करने के लिए एक ऐसी एनर्जी बनाना चाहता है जहाँ इस पर्सन के मन को तो शांति मिले ही, साथ में इस पर्सन के दिमाग को भी सुकून मिले और थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन का सुकून जैसे खो गया है, यानी कि ये पर्सन पहले जो हुआ करते थे ना वो नहीं रहे। ये पर्सन अपने में गुम रहने लगे हैं, सोच विचार कुछ ज़्यादा ही करने लगे हैं। इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, ये कह सकते हैं। ये पर्सन जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, ये चीज़ भी नज़र आ रही है और साथ ही ये पर्सन ख़ुद को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस पर्सन की जो पहले की ख्वाहिशें थीं या फिर पहले इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ हो चुका था, जब उनको ये पर्सन सोचता है, याद करता है, तो सबसे बड़ी ख्वाहिश तो इस पर्सन की आप हैं। और या फिर अगर इस वक्त आपकी बात नहीं हो रही है इस पर्सन से, तो पहले पास में अगर इस पर्सन से आपका रिश्ता रहा है तो आप इस पर्सन की पहली विश थे, पहली ख्वाहिश थे, ये चीज़ नज़र आ रही है। पर अब ये पर्सन इस चीज़ के बारे में जब सोच रहा है ना, तो इस पर्सन को बहुत अफसोस है कि ये पर्सन आपको अपना नहीं सके। आपके साथ इस पर्सन ने बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए होंगे, आपके साथ बहुत वक्त बिताया होगा और आपका वक्त ख़राब हुआ। इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है कि इस पर्सन की वजह से आपने अपना बहुत वक्त बर्बाद किया है। यानी आपको तो ऐसा लगता ही है, शायद ये बात आपने इस पर्सन से बोली हो, कि आपने इस पर्सन के साथ जितना भी वक्त बिताया है ना, इस पर्सन के लिए शायद वो इतना मायने नहीं रखता, इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, जो कि थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन चला गया है और आपका वक्त बर्बाद करके गया है ये इंसान। तो अब आप इस पर्सन से जैसे ना बहुत सारी शिकायतें लिए बैठे हैं, और आपको इस पर्सन से बहुत सारी शिकायतें हैं भी, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ अगर रिश्ता बनाया तो निभाने के लिए बनाया होता, आप ऐसा महसूस करते हैं। आपकी शिकायत भी जायज़ है, क्योंकि अगर इस पर्सन ने आपके साथ कोई रिश्ता बनाया था और उसे नहीं निभाया और किसी और को ही कमिटमेंट दे दी, किसी और के साथ ही ये पर्सन इस वक्त है, तो आपको बुरा लगेगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए उसे अगर धोखा देता है, किसी और को अपना लेता है, तो दुख और दर्द तो होता ही है, जैसे कि आपको इस वक्त महसूस हो रहा है। पर ये पर्सन भी आपके दुख को समझ तो पा रहे हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे। या तो किसी इंसान की कोई मजबूरी होती है तब वो इंसान किसी के साथ धोखा करता है, या फिर उस इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वो किसी को भी चीट कर जाता है, सेल्फिश होकर सोचता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि अब इस इंसान से बेहतर इंसान मुझे मिल जाएगा, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ पा लूँगा। बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें जिस इंसान की होती है ना, तो वो भी लोगों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पलट कर जब देखते हैं तब अफसोस होता है कि गलत किया, जब पछतावा होता है तब एहसास होता है, जैसे कि इस वक्त भी आपके पर्सन को एहसास हो रहा है
कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है। और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ इस वक्त भी रिलेशनशिप में हैं तो भी ये पर्सन आपके साथ अगर इस रिश्ते को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं तो भी इस पर्सन को इस बात का एहसास है कि हाँ ये ऐसा कर रहे हैं, यानी जिस गलती पर भी ये पर्सन है ना तो उस गलती के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त ये पर्सन। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना, यानी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी आप भी मैरिड हो सकते हैं या फिर अनमैरिड भी हो सकते हैं, ये पर्सन मैरिड या अनमैरिड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैरिड है ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, इसलिए ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, आपके बारे में ज़्यादा फीलिंग्स इस पर्सन के मन में आ गई हैं क्योंकि कहीं और से इस पर्सन को प्यार नहीं मिल रहा, थर्ड पार्टी से इस पर्सन को प्यार नहीं मिल रहा, तो ये आपकी तरफ ना आ रहा है। धीरे धीरे इस पर्सन के मन में आपके लिए जो फीलिंग्स आई हैं, जो इमोशंस ये फील कर पा रहा है इस वक्त, ये पर्सन बहुत इमोशनल है और ये सोच कर ही कि पहले ये पर्सन क्या थे और अब क्या से क्या हो गए हैं। इस पर्सन ने अपने आप को बदल दिया है, पूरी तरह से चेंज हो गया है और थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को इतना स्ट्रेस दिया है, इतना बर्डन इस पर्सन पर आ गया है कि ये पर्सन चेंज होकर रह गए हैं। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, इस पर्सन की फैमिली हो सकती है। और अगर इस पर्सन की फैमिली में आपको लेकर बात होती है ना तो वो इसी बात के बारे में बात होती है कि ये पर्सन आपको अपनाना चाहता है। और शायद इस पर्सन की फैमिली में बहुत कम लोग आपको जानते होंगे या फिर अभी ये पर्सन उनको कन्विंस ही नहीं कर पाया, यानी आप दोनों के रिश्ते के लिए ये पर्सन अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा है और वो कन्विंस नहीं हो पा रहे। शायद ये पर्सन अच्छे से समझा नहीं पा रहा या अपनी बात मनवा नहीं पा रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसका स्ट्रेस ये पर्सन ले रहा है। और ये पर्सन खुलकर जीना चाहता है अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपके बारे में सोचने लगे हैं, ये पर्सन आपसे शादी करने का सोच रहे हैं। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन आपसे शादी करने का सोच रहे हैं। और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं, उनकी लाइफ में फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो ये पर्सन उसके बारे में भी सोचता हुआ नज़र आ रहे हैं कि ये जो फैमिली इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे आपको ना अपनी लाइफ में वो मकाम दिलाया जाए, यानी जो इस पर्सन की फैमिली में इस पर्सन का मकाम है वो मकाम आपको अपनी फैमिली में ये पर्सन कैसे दिलवाए, इसके बारे में बहुत सोच रहा है ये पर्सन। क्योंकि ये पर्सन चाहता है इक्वल गिव एंड टेक हो, जितना रिस्पेक्ट आप इस पर्सन को दे रहे हैं, जितना प्यार आप इस पर्सन को दे रहे हैं, इस पर्सन की फैमिली को दे रहे हैं, उतना ही रिटर्न में आपको भी मिले, आपको भी पर्सन की जो फैमिली है ना अच्छे से अपना लें और आपको समझने का और समझाने का एक मौका दें। पर यहाँ पर ना इन दोनों के बीच जो भी नाराज़गी नज़र आ रही है, यानी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच जो नाराज़गी नज़र आ रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे हैं और ये पर्सन तो हर्ट है ही। इस पर्सन पर तो जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है, ये पर्सन बहुत दुखी नज़र आ रहा है। इस वक्त ये पर्सन अपने होठों पर स्माइल लिए हुए है पर दिल में कितना गम है उसे छुपाए हुए है। तो ये पर्सन खुल के जीने वाला व्यक्ति है, रिश्ते बनाने में विश्वास रखता है, रिश्ते तोड़ना इस पर्सन को पसंद नहीं है। ये तो एक माइजर किस्म का इंसान है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, धन दौलत की बात हो, कुछ भी ऐसा हो इस पर्सन के पास, ये पर्सन कभी खोना नहीं चाहेगा, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो। ये पर्सन तो अपना कचरा भी ना संभाल कर रखने वाला व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है, इतना माइजर है ये। तो इस तरह की फीलिंग्स इस पर्सन की नज़र आ रही हैं। और ये पर्सन अगर फैमिली में बात करता है तो आप दोनों को एक होना है इसके बारे में बात करता है, यानी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है इसके बारे में बात कर रहा है। और ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी इस पर्सन को बहुत दुख और दर्द दे रही है, इसलिए ये पर्सन आपकी तारीफ़ करता है, आपको अपनाना चाहता है, इसके बारे में बात चल रही है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।